सैलानी बाबा 786 चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपके लिए सैलानी बाबा के दीवानों के लिए इस्लामिक वीडियोस लाता रहूंगा। आप सब हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को शेयर करिए, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर ये बताएं वीडियो कैसा लगा, और सैलानी बाबा 786 चैनल को जितना शेयर कर सकते हो करे दोस्तों। जितना आपका प्यार मिलेगा उतना ही हमें भी इंटरेस्ट आएगा वीडियो बनाने में। तो बिना स्किप किए आगे का वीडियो देखिए। मानव जाति के विकास के बाद से प्रत्येक व्यक्ति अपना व्यक्तिगत लाभ चाहता है। इसके लिए वे लालची और दूसरों की भलाई के बारे में भूलकर आत्म केंद्रित हो जाते हैं। व्यक्ति चीजों को किसी भी तरह प्राप्त करना चाहते हैं और इसके लिए वे कुप्रथाओं को अपनाने और गलत रास्ते पर चलने से भी नहीं हिचकिचाते हैं। काला जादू दुर्भावनापूर्ण प्रथाओं के सबसे पुराने रूपों में से एक है, जो व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए किया जाता है, और इसमें बुरी प्रथाएं शामिल होती हैं। काले जादू के कई रूप होते हैं जिनमें जादू टोना आदि शामिल है। जादू कई प्रकार के हैं लेकिन सबसे घातक हैं, और जादू के सभी रूपों में हानिकारक काला जादू है। कारण बहुत सरल है कि काला जादू दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। अल्लाह ने ब्रह्मांड बनाया है और वह अपने प्राणियों से प्यार करता है जो एक दूसरे की मदद करते हैं। कुरान में अल्लाह ने कई बार कहा है कि सबसे अच्छा इंसान और मुसलमान वह है जिससे उनके साथी सुरक्षित हैं। यह इस बात को दर्शाता है कि अल्लाह किसी भी तरह से काले जादू की सराहना नहीं करता है। काला जादू सर्वशक्तिमान अल्लाह द्वारा सबसे नापसंद प्रथाओं में से एक है। इस्लाम शांति और सद्भाव का धर्म है। यह किसी भी परिस्थिति में काले जादू की अनुमति या महत्व नहीं देता है। जो लोग काले जादू का अभ्यास करते हैं और इस्लामी धर्म से संबंधित हैं, उन्हें अल्लाह द्वारा पापियों और अपराधियों के रूप में माना जाएगा। काला जादू बुरी शक्तियों पर निर्भर करता है, और बुराई का ध्यान आकर्षित करना और मदद करना ऐसे कार्य हैं जो इस्लाम में स्वीकार्य नहीं है। अगर आप विद्वानों या आध्यात्मिक चिकित्सकों से पूछेंगे तो वे यह भी बताएंगे कि इस्लाम में काला जादू हराम है और सबसे बड़े पापों में से एक है। इस्लाम काले जादू की निंदा करता है। शैतान मनुष्य को धोखा देता है और इस दुनिया में इच्छाओं को पूरा करने के लिए उसे काले जादू का अभ्यास करने के लिए प्रेरित करता है। हालांकि ऐसे दुष्टों के लिए भविष्य में परिणाम गंभीर है। काले जादू की अवधारणा न तो कोई मिथक है और न ही अंधविश्वास। कुरान की आयतें और हदीस समाधान प्रदान करने के साथ साथ काले जादू के अस्तित्व का समर्थन करते हैं। जादू ज्यादातर व्यक्ति को चीजों को ऐसे तरीके से देखने की ओर ले जाता है जो वास्तव में होता नहीं है या मौजूद नहीं है। बेहतर उपाय सर्वशक्तिमान अल्लाह का सहारा लेना है। काला जादू शिर्क है, जो फिर से एक विनाशकारी पाप भी है। अल्लाह के लिए यह एक गंभीर पाप है। किसी भी मुसलमान को कभी भी रोमांच के लिए और दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसी प्रथाओं में शामिल नहीं होना चाहिए। पैगंबर मोहम्मद उन पर शांति हो भी काले जादू के शिकार थे। पैगंबर मोहम्मद के बाल एक बार इस्लाम के विरोधी द्वारा एकत्र किए गए थे और गांठ में बांध दिए गए थे, फिर उन्हें कुएं के तल पर रखा गया। दुष्ट द्वारा काले जादू की इस प्रथा ने पैगंबर को बहुत बीमार कर दिया गया। बाद में हजरत अली ने गांठ को पाया और उसे खोल दिया। इससे अंततः पैगंबर मोहम्मद को दर्द और दुख से राहत मिली। ईमान विश्वास एक मुसलमान का मूल स्तंभ है, क्योंकि इसका मतलब यह मानना है कि अल्लाह के पास कुछ भी करने की सर्वोच्च शक्ति है। हमें यह दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि अल्लाह के अलावा कोई महान ताकत नहीं है। जैसा कि पैगंबर मोहम्मद ने सिखाया है, हमें लगातार सभी बुराइयों से भगवान की शरण के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, खासकर सुबह और शाम के वक्त और सोने से पहले पनाह मांगना उनकी सुन्नत थी। काले जादू, बुरी नजर और अन्य बुराइयों के खिलाफ एहतियात के तौर पर मुसलमानों को सूरह फातिहा का पाठ करना चाहिए। किसी के घर में सूरह बकराह पढ़ने के कई लाभों में से एक यह है कि सभी बुराई और जिन्न बाहर निकल जाते हैं। इसके अलावा अल्लाह हमें काले जादू और अन्य बुराइयों से बचाता है। सुन्नत से यह स्पष्ट है कि पैगंबर मोहम्मद सुबह और शाम की दुआ के हिस्से के रूप में तीन कुलों का पाठ करते थे, सारा अलनास, सूरह अल फलक और सूरह अल इखलास। इस तरह के जादुई प्रयासों से बचाव का सबसे अच्छा तरीका है कि आप दिन में 5 बार नमाज अदा करें और अल्लाह को याद करते रहें और अल्लाह के वालियों का दामन पकड़े रहे।
बेशक अल्लाह ने काले जादू के तोड़ के लिए वालियों को एक अलग मुकाम आता किया है, जैसे बहुत सारे वली जिनमें हमारे सैलानी बाबा हैं, जिनके पास काले जादू का तोड़ और जिसने जादू करवाया उसकी शामत आ जाती है। सैलानी बाबा अल्लाह के बहुत ताकतवर वली है। सैलानी बाबा के पास काले जादू का कांट तो होता ही है, और जिस जादूगर ने काला जादू किया उस तांत्रिक को मार भी अलग से पड़ती है। सैलानी बाबा की शान बहुत ऊंची है, अल्लाह के करीब है, अल्लाह उनसे प्यार करते हैं। मगर अफसोस, सैलानी बाबा जाने वाले कुछ लोग अच्छे से रहा नहीं करते हैं, गलत काम करते हैं, गाली गलौज जात पात करते हैं, और भी ऐसे काम जो ना अल्लाह को पसंद ना ही बाबा को। मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि अपने आप को अच्छा बनाए, हर बुरे काम से खुद को बचाए और सब्र करना सीखे, और गरीब लोगों को खाना जरूर खिलाए। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा उसके लिए शुक्रिया, और हमारे चैनल सैलानी बाबा 786 चैनल से जरूर जुड़िए। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियोस को लाइक किया करो। मैं आपके लिए तमाम सैलानी बाबा के चाहने वालों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लाता रहूंगा। बस आप सभी का साथ चाहिए हमारे इस चैनल पर दिखाई गई सारी वीडियोस को प्यार दीजिए, ताकि मुझे भी पता चले कि बाबा के चाहने वाले कितने हैं, और कमेंट में हक सैलानी या सैलानी लिखना ना भूलें।